सी का फैंटसी पॉइंट में है। और यहाँ दोस्तों ईसेस रोमानिया T10 कवर का सो BN बसेस आप पर ACCB के बीच मैच हो लिए है। सो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखना है, काफी सारे गेम चेंजर प्लेस बात करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना वीडियो को। बात करते हैं डिटेल्स की, तो लास्ट मैचेस की बात कर दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंसेस की। देखो एक मैच हमने T10 का फर्स्ट कवर किया था, अच्छा नहीं किया दोस्तों। देखो एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो चीजें मैंने वीडियो में दी थी सारी चीजें सही थी, थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया उसके बाद हमारा मैच अच्छा नहीं गया। लेकिन देखो यार, देखो हमने बैक टू बैक आपको 3 मैचेस अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया, अब चौथा मैच भाई लॉस गया, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर मैच में भाई क्लीन स्वीप चाहिए, अगर ऐसा आप कर सकते हो हर मैच में क्लीन स्वीप दे सकते हो तो मेरे को ही दे दो भाई, मैं ही आपकी टीम से खेल लिया करूंगा, सिंपल सी बात है। तो भाई थोड़ा पेशेंस रखा करो, हर मैच विन नहीं कर सकते मेरे भाई, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो लास्ट मैच देख सकते दोस्तों, ये फर्स्ट हमारा जमैका T10 का मैच था, मेगा क्लीन स्वीप 50 नंबर तक दोस्तों हमारा स्वीप रहा था। फिर KCC ये T10 कवर किया, उसमें भी हमने क्लीन स्वीप किया। फिर दोस्तों यहां पर सेकंड जमैका T10 कवर किया, उसमें भी अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया। तो यहीं पर जुड़ना, जैसे ही टॉस अपडेट होगा उसके बाद जो फाइनल टीम है आपको यही मिलेगी, तो बिल्कुल जुड़ना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आप चाहो तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, @FantasyPoint7 आपको सर्च करना है। बात करें डिटेल्स की दोस्तों, यहां पर अगर बात करें दोस्तों दो टीम्स के रीसेंट फॉर्म की, तो VN की बात करें दोस्तों 5 में से 3 मैच इनके विन हुए हैं, 2 मैच इनके लॉस, कुछ इस प्रकार से इनका रीसेंट फॉर्म रहा। वही अगर बात करें दोस्तों यहां पर ACCB की, तो इनका भी सेम साइज सिचुएशन है, 5 में से 2 मैच इनका दोस्तों विन हुआ है, 3 मैच इनके लॉस हुए, सिर्फ 1 मैच का डिफरेंस है। अगर बात करें वेन्यू स्टेट की, तो पिच जो दोस्तों रहेगी वो सिंपली बैलेंस रहेगी, जहां पर कही जाए तो बैटर्स बॉलर्स दोनों को इक्वल सपोर्ट मिलेगा, उस हिसाब से टीम क्रिएट करना। क्योंकि एक चीज हमेशा से नोटिस करूंगा कि रन तो बनते भाई, रन 110 120 बन जाते, प्लस में 7-8 विकेट भी गिर जाते, तो इस बात को ध्यान में रख के आपको टीम क्रिएट करनी है। अभी देखो दोस्तों लास्ट के 5 T10 मैचेस की बात करें पिच पे, तो 38 विकेट गिरे, जिसमें से 26 विकेट पेसर्स ने और 12 विकेट दोस्तों यहां पर स्पिनर्स ने चटकाए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हेड टू हेड की बात करते, तो हेड टू हेड में ओवरऑल 4 मैचेस हुए दोस्तों दो टीम्स के बीच में, जिसमें से बात करें तो BN की टीम ने 1 मैच विन किया, 2 मैच विन किया दोस्तों यहां पर ACCB की टीम ने, और 1 मैच यहां पर नो रिजल्ट रहा है। ये पूरा दोस्तों इनका पूरा लेखा जोखा मिल जाता है। बात करते हैं टीम की, तो टीम की बात करें दोस्तों आज के विकेट कीपर सेक्शन में, देखो दोस्तों यहां पर चाहते हो कि इस मैच में मेगा क्लीन स्वीप करे, तो आपको दोस्तों यहां पर वीडियो को लाइक जरूर करना है, कंजूसी मत करो भाई, क्योंकि लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है, टीम अच्छी जाती है, और लाइक भाई फ्री में, ऐसा कुछ है इनकी पैसा लगता है भाई, आपके लिए फ्री है, हमारे लिए काफी मोटिवेशन मिलता है भाई। तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि आप नेक्स्ट मैच की वीडियो मिस नहीं कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर BN की तरफ से। BN की तरफ से बात करें तो यहां पर हंसिका दिखेगा, जिसका सिलेक्शन कही जाए तो ऑलमोस्ट 279% जनता ने टीम में ले रखा है दोस्तों। बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, ये अब्दुल सकूर से भी इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सिंपली जो है सकूर को टीम में ऐड करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट पिक है। अगर बात करें बैटमैन सेक्शन में तो यहां पर रनाथुंगा को पिक करके चलेंगे, बाकी इनके अलावा अगर बात करें तो यहां पर दोस्तों सजीद दिखेगा, जिसका सिलेक्शन कही जाए तो 31% है। मैं सजेस्ट करूंगा कि स्मॉल लीग की तो टीम में तो मत ले जाओ, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग में निवेश कर रहे हो तो एक आठ टीम में इनको ऐड करके चल सकते हो, अच्छा भाई प्लेयर है, 3 नंबर बैट करेगा, फर्स्ट रन आएगा, तो ग्रैंड लीग टीम्स पर ट्राई कर सकते हो। इधर बात करें ऑलराउंडर में तो यहां दोस्तों इजाज हुसैन को पिक करना है, फिर दोस्तों हमीद नवाज को पिक करना, अली को पिक करना है, 3 ऑलराउंडर्स आपको टीम में रखने, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप मत करना। आओ दोस्तों यहां पर बैटमैन क्या बोलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन दोस्तों यहां पर थसारा को पिक करना है, बाकी नीचे आओगे तो यहां पर आपको देखिएगा बी नवाज, जिसका सिलेक्शन 1% है। फिर दोस्तों यहां पर प्रसन्ना, अगर मान के चलो कि ये दोनों में से कोई एक खेले तो स्पेशली बोलूंगा स्मॉल लीग की टीम में तो मत ऐड करना भाई, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई करना यार, काफी स्पेशल ऑप्शन हो सकती है, तो पिक करना आपको बिल्कुल बनता है। अभी दोस्तों आइए सेकंड टीम की बात करते हैं, तो यहां दोस्तों बात करें सेकंड यानी कि दोस्तों ACCB की बात करें तो इनके तरफ से आपको दोस्तों अब्बास दिखेंगे भाई, जिनका सिलेक्शन कही जाए तो 66% जनता ने टीम मिलेगा दोस्तों। जितने भी पॉइंट्स इन्होंने दिए, बैटिंग से पॉइंट नहीं दिया, काफी कैचेस इन्होंने दोस्तों लोके लास्ट मैच में और उसके हिसाब से दोस्तों यहां पर 13 रन स्कोर किया था, प्लस दोस्तों यहां पर उन्होंने 2 कैचेस लोके थे, सॉरी 2 स्टंपिंग किए थे, 18 पॉइंट दिया था। तो भाई देखो विकेट कीपर सेक्शन में कोई ऐसा है ही नहीं दोस्तों जो मतलब एक स्टेबल हो कि हाँ ये 4-5 नंबर बैट करें, सभी भाई 6-7 नंबर पे आते हैं, जो भी पॉइंट देंगे कैचेस लेंगे और स्टंपिंग करेंगे उसके हिसाब से देंगे। आइए बैटमैन सेक्शन में, तो बैटमैन सेक्शन बात करें तो जी मान दोस्तों यहां पर ओपन बैट करेगा, तो ट्राई करना, इनका सिलेक्शन किया जाए तो 63% है। ग्रैंडली के कार टीम उसमें ऐड करके जा सकते हो, बाकी दोस्तों यहां पर अब्दुल असीफ को पिक करना, सिंपली यही एक प्लेयर है जो
इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है। अगर सिलेक्शन के बेसिस पे टीम बनाते हो तो इनको टीम में आप ऐड करके जा सकते हो, मैं तो भाई ड्रॉप करके चलूंगा क्योंकि मैं दो ओपनर्स लेने का रिस्क नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है, यहां पर आते हैं दोस्तों यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ऑलराउंडर सेक्शन दोस्तों यहां पर जय सिंह को पिक करना है, बाकी सदवरन को पिक करना है। नीचे आओगे दोस्तों तो यहां पर आपको प्लेयर दिखेगा दोस्तों एस उल्ला, जिनका सिलेक्शन कही जाए तो ऑलमोस्ट 7.5% है। अब देखो यार, बंदा ऐसा है कि मिडिल ओवर्स में दो ओवर कंफर्म करेगा, पंट प्लेयर है, टीम में ऐड कर लीजिए दोस्तों। ऑलमोस्ट कही जाए तो इस मैच में जो एक्सपेक्टेशन है इससे दोस्तों 1 से 2 विकेट का मेरा जो एक्सपेक्टेशन है चटका के दे सकता है, तो पिक करके चलो सिंपली ये 3 प्लेयर्स रखो आप टीम में। इधर दोस्तों आओ बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन बात करें तो यहां पर जो प्लेयर रहेगा दोस्तों जिसको आपको पिक करके चलना है सिंपली दोस्तों यहां पर देखोगे कनूटा रहेगा, जिसका कह जाए तो 82% सिलेक्शन टीम में ऐड करके चलिए। हालांकि इनके अलावा भी काफी सारे ऑप्शन, लिलंगा हो गया, फिर एस सिंह हो गया भाई, अगर खेलेंगे तो ग्रैंडली के एक आर टीम्स में आप यूज करके जा सकते हो। अभी बात करते कैप्टनस कैप्टन की, तो कैप्टनस कैप्टन की बात करें दोस्तों इजाज हुसैन को ऑलमोस्ट 62% जनता ने भाई कैप्टन दे रखा, और वाइस कैप्टन की बात करें तो हमीद नवाज को 38% लोगों ने दोस्तों एज अ वाइस कैप्टन यूज किया। देखो दोस्तों हमीद नवाज का ऐसा है कि 4 से 5 नंबर पे बैट करेगा, प्लस दोस्तों यहां पर 2 ओवर की कंफर्म बॉलिंग करेगा, तो ये भी थोड़े सेफ टाइप किए हैं, ट्राई कर सकते हो। अब हमारी तरफ देखो तो इजाज ओपन कर रहा है, हालांकि स्टार्टिंग के मैचेस में काफी नीचे आ रहे थे बैट करने, 6-7 नंबर पे आते थे, लेकिन अभी दोस्तों ओपन कर रहे तो हमारे लिए कैप्टन तो सेफ यही रहेगा, ओपन बैट करेगा प्लस 2 ओवर की बॉलिंग। ठीक है, अब वाइस कैप्टन देखिए, तो वाइस मैं लेके चलूंगा अब्दुल असीफ को। अब रीजन क्या है भाई ले जाने का, रीजन यहां पर यह है कि ये ओपन बैट करेगा प्लस 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, तो पिक करके चलिए, काफी स्पेशल ऑप्शन हो सकता है टीम ऐड करना है। बात करते हैं टीम प्रूफ की, टीम प्रूफ की बात करें दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको टीम प्रूफ देखने मिल जाता है। अगर आप देखिए अदर एप्स पे टीम बना रहे हो तो एक ही चीज कीजिएगा, मैं सिंपल सा आपको बता देता हूं दोस्तों, जीमान को टीम में ऐड कर लीजिएगा, और बॉलिंग में देखा जाए तो आप दोस्तों यहां पर लांगा या तो एस सिंह में से कोई खेलेगा तो इनको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने जो चीज है मैं बता दी अदर एप्स के लिए। ठीक है, देखिए प्रीव्यू में आइए, प्रीव्यू में बात करें तो दोस्तों यहां पर कैप्टन तो बिल्कुल सेफ गया हूं, लेकिन वाइस कैप्टन काफी रिस्की है दोस्तों, क्योंकि लोगों ने भाई बहुत ही कम ट्राई किया इनको वाइस कैप्टन। ठीक है, अब देखो दोस्तों ग्रैंडली की बात करें तो ग्रैंडली के लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन कैप्टन के लिए दोस्तों यहां पर दोस्तों हमीद नवाज, अलीम, एजाज हुसैन, अब्दुल असीफ, ठीक है, और बाकी दोस्तों ये रहेंगे, ये प्लेयर्स रहेंगे जो आज की इस मैच में कही जाए तो ग्रैंडली के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप ट्राई करके जा सकते हो अपनी ग्रैंडली टीम्स में। स्मॉली का देखिए, स्मॉली में दोस्तों ज्यादा रिस्क हम लेते नहीं, तो सिंपली यहां पर अब्दुल हसीफ, आई हुसैन, हमीद नवाज और दोस्तों यहां पर जो है आप इनको ट्राई करके चलो, यही प्लेयर्स रहेंगे, मात्र 4 ऐसे ऑप्शन जिनको आज की इस मैच में आप चाहो तो अपनी स्मॉली की टीम में कैप्टन कैप्टन लेके जा सकते हो। बाकी हर प्लेयर के दोस्तों डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दिया, जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप यूज करना, एंड आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफी अच्छा लगे, इंपॉर्टेंट साबित हो। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन यार सबसे पहले प्रेस करना, काफी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। जैसे मैंने बोला है कि क्लीन स्वीप करना है तो भाई सपोर्ट वीडियो पे जरूर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम पे आ जाना, फाइनल टीम दे दूंगा। चलिए इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।